बेटे हमारा लेसन है बेटे, दिए जल उठे। ठीक है बच्चे, अब दिए जल उठे मतलब जो चीज अंधकार में थी वो प्रकाशित हो गई। अब इस लेसन में बेटे, इस लेसन का सेंट्रल आइडिया क्या है पहले हमें ये समझना होगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है? सपोज करो हर तरफ अंधकार है, हर तरफ अंधकार है और एक दिया जल उठता है। एक दिया जलने से हमारा प्रकाश, मतलब हमारा कमरा जो है प्रकाशित होता है। सपोज लाइट गई, अंधेरा हो गया, वी फील वेरी बैड, मम्मी ने मोबाइल का टॉर्च चला दिया, ओहो वी फील रिलैक्स कि हाँ जी लाइट आ गई, मतलब थोड़ी सी रोशनी है, हमें कम से कम दूसरे का चेहरा नहीं तो अपने हाथ नजर आ रहे हैं। पुलकित मेरी क्लास नहीं है बेटा, नेक्स्ट पीरियड है। ठीक है बच्चे, तो दिए जल उठे मींस प्रकाशित हो गया, हमें नजर आना शुरू हो गया। अब बच्चे जब संकट की घड़ी होती है, मुसीबत की घड़ी होती है, उस समय भी अंधकार छाया होता है ना, और कोई रोशनी की छोटी सी किरण दिखा दे, हम बहुत दुखी बैठे हैं, बहुत दुखी बैठे हैं हम, तो कोई आके हल्का सा कह दे कि कोई बात नहीं तेरा आधा काम मैं कर दूंगा, तो दो पेज कर, एक पेज मैं कर दूंगा, तो एक तरह से हम खुश हो बैठते हैं और वो दो पेज भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस पाठ का सेंट्रल आइडिया ये है बच्चे, लिसन टू द सेंट्रल आइडिया ओनली, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आई एश्योर यू। सेंट्रल आइडिया क्या है? जब विषम परिस्थितियां होती हैं, जब मुसीबत का समय होता है, सुनिए वर्ड है विषम परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, जब भी हमारे लिए ट्रेजिक मोमेंट्स होते हैं बेटा, उस समय सहयोग की भावना जो है वो मिरेकल कर देती है। सहयोग की भावना, मिलकर काम किया जाए तो काम आसान हो जाता है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन। ठीक है, जब भी विषम परिस्थितियां होती हैं तो सूझ समझ से मिलकर काम किया जाए तो हमारा काम सरल हो जाता है। मेरे पास आपके लेसन का कुछ नहीं है, फिर भी मैं इन शॉर्ट एक बार स्टोरी पढ़ना चाहूंगी टू रिकॉल मी एंड यू। हाँ, फिर देखते हैं। देखिए मेरे पास लिखा हुआ जो है, दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में जब वल्लभाचार्य पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे, तो जैसे ही उन्होंने लोगों में सत्याग्रह की तैयारी के बारे में पूछा, वैसे ही पुलिस ने उन्हें स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया। ओके, सबसे पहली बात इस लेसन में आती है बेटा, स्टार्टिंग में पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, पाठ में आया कि दांडी कूच, दांडी यात्रा की बात कर रहे हैं हम, श्री कृष्ण सॉरी श्री करमचंद गांधी की जो यात्रा है, उनकी दांडी मार्च जिसे कहते हैं, साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू की थी, तो वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था। आई वॉन्ट टू रिकॉल दैट एवरीथिंग बच्चे, गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था वो किया क्यों था पहले मुझे ये तो बता दो। रिधिमा वुड यू टेल, गांधी जी ने वो जो सत्याग्रह आंदोलन किया था बेटा वो क्यों किया था? मैम वो जो आजादी के लिए और बिना हिंसा की लड़ाई के लिए किया था, ताकि हम इंडियन सही से रहे। ओके ओके, पर मुझे क्या लगता है कि जब बेटे नमक कानून तोड़ा था उन्होंने, नमक आंदोलन, नमक के लिए किया था ये, हम सी कोस्ट एरियाज में रहते थे, नमक हम बनाते थे, अंग्रेजों ने कह दिया कि नमक बनाना गैर कानूनी है, अब आप लोग नमक नहीं बना सकते, उन्होंने कैप्चर कर लिए पूरा एरियाज और हमें कह दिया कि हमारे ही प्रदेश में नमक हम ही नहीं बना सकते, है ना, और भी बहुत से
और भी बहुत से कारण थे जिस कारण गांधी जी ने कहा कि मैं तो सत्याग्रह आंदोलन करूंगा, नमक आंदोलन करूंगा। दांडी मार्च की यात्रा उन्होंने कही कि मैं यहां से यहां तक जाऊंगा। अब क्या हुआ, सारे जानते थे गांधी जी को। गांधी जी की एक विशेषता थी बच्चे कि गांधी जी कभी भी कोई काम बिना चेतावनी के नहीं किया करते थे, है ना। तो सबको, अंग्रेजों को पता था कि गांधी जी ने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इन्होंने, कहीं से कोई नमक नहीं बनाएंगे उठा के, डेयरी उठा के, कहीं से कुछ नहीं करेंगे। दे ऑल वर सेटिस्फाइड। पर बेटे जो उनके साथ चलने वाले इतने सारे लोग हैं, उनमें से कोई भी कुछ कर सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, नमक की डेयरियां सारी उठवा दी वहां से, और सारे जो सिपाही थे वो तैनात कर दिए इसके लिए। अब जो स्टेज पे जाके दो शब्द भी बोलता ना, अब पटेल जी ने सिर्फ जाके दो शब्द बोले थे, भाइयों मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया उन्हें, है ना। जब जज के सामने फैसला गया तो वो कुछ फैसला नहीं कर पाया, क्योंकि कोई कसूर ही नहीं था उनका, है ना। तो बड़ी मुश्किल उसने फैसला लिखा और जेल भेज दिया गया। पटेल जी ने सिर्फ इतना कहा कि गांधी जी मैं जा रहा हूं, अब सारा आंदोलन आपके हाथ में। और गांधी जी चलते गए, चलते गए, पैदल चलते गए, जहां से जहां आगे चलते गए ना, उनके पीछे उतने ही अनुयायी फॉलोअर्स बढ़ते गए, ठीक है, बढ़ते गए, बढ़ते गए। नेहरू जी ने बीच में मैसेज दिया उन्हें कि मैं गांधी जी आपसे मिलने आने वाला हूं, तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा, आप जब तक मेरे पास पहुंचेंगे मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका हूंगा, मेरा सब कुछ प्री पोन पोस्ट पोन होता जा रहा है ना, तो नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो रात के समय आधी रात को आना होगा, जब हम नदी पार कर रहे होंगे, मही नदी पार कर रहे होंगे, ओके। तो गांधी जी ने रात के समय नदी पार करना स्वीकार किया। अब क्वेश्चन उठता है भी रात के समय क्यों नदी पार करनी, दिन इतना होता है, सूरज होता है, तब क्यों नहीं नदी पार की उन्होंने। रात के समय ड्यू टू द फोर्स ऑफ मून, आपको पता है टाइड्स ज्यादा आती है रात के समय, मालूम है ना साइंस में, ये साइंटिफिक रीजन है कि रात को टाइड्स ज्यादा होती हैं, है ना, धाराएं बहुत ऊपर नीचे जाती हैं, तो उसमें नदी पार करना आसान था। उफान में, नदी में उफान आया हुआ, नदी में बहाव ज्यादा बड़ा हुआ, तो उस बहाव में नदी पार करना आसान था, इसलिए रात को नदी पार करने का डिसाइड हुआ। अब ये सोल्यूशन तो हो गया कि रात को आसानी से नदी पार हो जाएगी, पर जितने लोग हैं उनके साथ अंधेरे में क्या करें, रात को तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, तो नदी पार कैसे होगी। तो उनकी हेल्प करने के लिए बेटे बहुत से लोग हाथों में दिए जलाकर वहां उपस्थित हो गए, इतने लोग उपस्थित हो गए। आप अच्छा, एक मैं आपको प्राकृतिक चित्रण आपके सामने पेश करना चाहूंगी। अंधेरा हो, आप बैठे हैं आराम से, छत पे खड़े हैं, उधर से एक जुगनू निकलता है, आपको कैसा लगता है, मतलब आप बड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपकी कि देखें यार ये लाइट कहाँ से आ रही है, ओ हो सो ब्यूटीफुल इट इज, है ना। तो ऐसे ही बच्चे जैसे इकट्ठे जुगनू हो गए हो, इतने सारे लोग दिए जला के आ गए, ऐसा लग रहा था कि वहां प्रकाश हो गया, असंख्य जुगनू जग गए हो, है ना, और नदी पार करवा दी गांधी जी को, नदी पार हो गई। वहां आगे जाके उनके लिए एक बना दिया गया, छोटी सी झोंपड़ी बना दी गई, एरिया बना दिया गया, वो वहां रहे, ठीक है। लेकिन बच्चे गांधी जी पार कर गए, फिर भी लोग दोनों तरफ नदी किनारे खड़े रहे, दोनों तरफ नदी किनारे खड़े रहे, हाथ में दिए लिए हुए। क्यों खड़े रहे, क्योंकि लोगों को लगता था गांधी जी के फॉलोअर्स अभी भी नदी पार करेंगे, गांधी जी के फॉलोअर्स अभी और आएंगे। तो आई एम ड्रॉइंग समथिंग, देखिए, सपोज दिस इज, दीज आर टू बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। अब यहां पे गांधी जी हैं, ओके, गांधी जी यहां पे हैं, इनके साथ बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, बहुत से, सो मैनी, यानी पूरा किनारा यहाँ लोगों से खचा खच भरा हुआ है, और सबके हाथ में दिए हैं,
ठीक है, और एक एक दो दो करके सबको नदी पार करवाई जा रही है, किश्तियां जा रही हैं लोगों को लेके। अब वहां जाएंगे फिर अंधेरा होगा, यहां फिर लोग खड़े। सो मैनी पीपल स्टैंडिंग देयर इन देयर मतलब दीवाज इन देयर हैंड्स। क्यों? क्योंकि जो पार करेंगे उनको भी तो रोशनी चाहिए वहां, है ना। बड़ा मुसीबत थी रात के समय नदी पार करना, लेकिन इन लोगों और इन लोगों की मदद से सारे लोग नदी आराम से पार कर गए और उनकी यात्रा सफल हुई। यानी यहां लोग जब मिलकर, जब इंसान मिलकर काम करता है, सहयोग से काम करता है, तो कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, उसको पार करना आसान हो जाता है। दिस इज द होल लेसन। दिए जल उठे, इधर भी दिए जल उठे, उधर भी दिए जल उठे, चारों तरफ रोशनी की रोशनी हो गई। वो विकट समस्या का समाधान इन लोगों ने कर दिया। और ऐसे डायग्राम आपकी बुक में पीछे बना हुआ है कि इस किनारे पे भी लोग, उस किनारे पे भी लोग, और समस्या का समाधान हो गया। यानी जब इंसान सहयोग, दोबारा मेरी वर्डिंग सुनिए, जब इंसान बेटा एक के साथ दूसरा सहयोग देता है, तो कोई भी कठिन समस्या हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उस कठिन समस्या का समाधान पाया जा सकता है। जैसे गांधी जी को नदी पार करवाने के लिए असंख्य लोग दिए लेकर इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे रात में दिन हो गया हो। लोग दिए लेकर उस तरफ क्यों खड़े थे? क्योंकि उनके गांधी जी के अनुयायियों ने, फॉलोअर्स ने, अनुयायी वर्ड, अनुयायी जो गांधी जी के अनुयायी थे, उनको भी नदी पार करनी थी। उनको रोशनी दिखाने के लिए लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे। उन्होंने अंधकार को समाप्त कर दिया था। दिस इज द होल लेसन। कुछ भी नहीं है, दिए जल उठे। क्यों लेसन का टाइटल है दिए जल उठे? यही वर्ड, क्योंकि विषम परिस्थिति थी, गांधी जी को नदी पार करनी थी रात के समय में, लेकिन लोगों के सहयोग से उनके अनुयायी नदी को आराम से पार कर सके। अंधेरी रात को भी दियों ने जलकर प्रकाशित कर दिया। दैट्स ऑल। ठीक है, अब मैं बुक में, मेरे पास जो सैंपल पेपर है उसमें देखती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला क्यों कहा गया है? देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज क्रिएटिव क्वेश्चन, है ना, सेल्फ एनालिसिस का क्वेश्चन है। बच्चे देखिए क्या है, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को, आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था ना। आपको ये भी पता है उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? उन्होंने सिर्फ दो शब्द कहे थे कि भाइयों बहनों आप हमारे साथ हैं, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला क्यों कहा गया है? यानी वी कैन स्पीक वट एवर यू वी वॉन्ट, है ना, इसको रोक लगाई क्यों? कहा गया ना अभिव्यक्ति मीन्स वी कैन एक्सप्रेस आर सेल्फ, इसकी स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता पर हमला है। ठीक है ना, हम कहीं भी खड़े होके हम कह सकते हैं भाइयों तुम हमारे साथ हो, कह सकते हैं ना, लेकिन उनको इतनी सी बात पर गिरफ्तार कर लिया, दैट वॉज रॉन्ग, है ना। उन्हें अपने विचार, वी हैव राइट टू स्पीक, आपको पता है राइट टू स्पीच हमारे पास है ना, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। दैट वॉज हमला ऑन देयर स्वतंतरता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ द्वारा ये कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, आपका उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से हो सकता है? यही क्वेश्चन, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर हम मिलकर करें और थोड़ा दिमाग लगाकर काम करें, तो वी कैन बी सक्सेसफुल।
हम सफल हो सकते हैं। थोड़ा सोचो, विचारो, कॉन्फिडेंस से काम लो, मिलकर चलो, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मुहावरा भी है, अकेला चना तो बाड़ भी नहीं फोड़ सकता, मिलकर चलोगे तो कुछ भी कर सकते हो। आपको अकेले छत पे जाना है रात के समय 12 बजे के बाद, मम्मी ने कहा ऊपर चादर मैंने सूखने डाली हुई है ले आओ, अकेले तो आप नहीं जा पाएंगे। हाँ, छोटी बहन को साथ ले जाएंगे। अब ला देते हैं मम्मा, क्या हो जाता है उसका हाथ पकड़ने से, सहयोग, है ना। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द लेसन, दिए जल उठे। ओके, मेरे पास थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए जल उठे पाठ के शीर्षक की सार्थकता को अपने शब्दों में स्पष्ट करो। व्हाट डू यू मीन बाय शीर्षक की सार्थकता? मींस द हेडिंग ऑफ दिस लेसन इज करेक्ट और नॉट, वी आर सपोज टू प्रूव दिस, है ना। हमें ये बताना है दिए जल उठे इस लेसन का नाम करेक्ट है या नहीं है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है भाई, क्यों करेक्ट है? यही लिख दो, यही लिख दो। क्योंकि कोई भी विषम परिस्थिति हो, हम सहयोग से उसका सामना कर सकते हैं। जैसे गांधी जी जब नदी पार करने वाले थे तो लोगों ने इतने दिए जला दिए कि इस तरफ भी रोशनी, उस तरफ भी रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई और वह आराम से नदी पार कर सके। इसी तरह अगर हम भी किसी मुसीबत की परिस्थिति में फंसेंगे तो मिलकर काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। तो इस लेसन का टाइटल शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, दिए जल उठे, मिलकर काम करें तो अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। यानी इन्हीं चार शब्दों को आप पकड़ेंगे बच्चे तो हर प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। सिर्फ इन्हीं चार शब्दों को जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे बच्चे, विषम परिस्थिति, अब परिस्थिति चाहे गांधी जी की हो चाहे हमारी हो, गांधी जी की विषम परिस्थिति क्या थी, रात के समय में अंधेरे में नदी पार करनी थी। सहयोग किसका मिला, लोगों का, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए दिए जला के कि दोनों तरफ प्रकाश कर दिया, दिए जल उठे। लेसन का शीर्षक सार्थक है। हमें भी अगर कभी मुसीबत का सामना करना पड़े, हम भी मिलजुल कर एक दूसरे का काम करें तो हम भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जनरल एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई बच्चा है, एक बाई चांस अब्रॉड गया हुआ था, वो काम नहीं कर पाया आपका 9th का, उसकी कॉपी बिल्कुल नहीं बनी और साधना मैम कह रहे हैं कॉपी मुझे अभी चाहिए, तो क्या किया जाए? फटाफट एक एक पेज सारे बच्चे लिखो तो 15 मिनट में कॉपी तैयार, है ना। तो इस तरह सहयोग की भावना से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि वह कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से क्या ऐतिहासिक कदम उठाए। बेटे सबको पता है गांधी जी नियम का उल्लंघन नहीं करते थे, नियम को तोड़ते नहीं थे, है ना। सबको पता था, अंग्रेज जानते थे कि जितने मर्जी नमक के ढेर पड़े रहे, गांधी जी कभी भी नमक नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ अपोज में आवाज उठाएंगे। फिर भी वहां से सारा नमक उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? ताकि उनका कोई फॉलोवर को क्या कहेंगे हम, उनका कोई अनुयायी इस काम को ना अंजाम दे, इस काम को ना कर दे, इसलिए वहां से सारा नमक उठा दिया गया। ठीक है जी, आगे देखिए, लोगों को नदी के तट पर हजारों दिए लेकर उपस्थित होना किस बात का सूचक है, किस बात का सूचक है? लोग हजारों की संख्या में लोग दिए लेके इकट्ठे हो गए, किस बात का सूचक है? यही चार लाइनें कि कोई भी विषम परिस्थिति हो, सहयोग से उसे बदला जा सकता है। जैसे गांधी जी ने जब नदी पार करनी थी ना, तो इतने लोग दिए जलाकर आ गए कि अंधकारमय रात भी प्रकाशमय हो गई। ओनली दीज 4 वर्ड्स कैन डू मिरेकल्स। ठीक है,
ये चार शब्द मेरे याद रखोगे तो आपका कोई भी काम आसानी से हो जाएगा इस पाठ का, कोई भी क्वेश्चन। बेटे लिखना वही चीज होती है, थोड़ा कान इधर से मरोड़ दिया, थोड़ा कान उधर से मरोड़ दिया, आपको लिखना आना चाहिए। बेटे क्वेश्चन जो सेंट्रल आइडिया उसका होता है ना लेसन का, वो यही होता है। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन लिखे हुए थे, आई एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन्हीं चार शब्दों को लेके। ठीक है, क्लियर बेटे? होपफुली आपको समझ आया होगा, आ गया ना? अब इस लेसन में समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं परमिशन दे देती हूँ आपको, आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने परमिशन दी हुई है आपको अनम्यूट करने की। अगर इस लेसन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क मी, अदरवाइज कोई और लेसन चाहे तो मैं एक लेसन और करवा सकती हूँ आपको। बच्चे हाँ, रिधिमा युग, हाँ युग बच्चे, युग बेटा पूछो, बेटे पूछो, आप लेट आए हो शायद। युग मैम रिकनेक्ट किया था, पहले ही आ गया था। एक बार धर्म की आड़ भी ऐसी समझा दो। धर्म की आड़ समझाओ, इतना समय समय है इतना बच्चे? मैम है अभी 10 मिनट्स है। ओके, आपको लगता है कि 10 मिनट में हो जाएगा? हाँ चलिए ठीक है। मैम छोटा सा एक रिकॉल। अच्छा छोटा सा एक रिकॉल, ओके 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 ओके। वैसे तो मैं एक फुल की चाह भी चाहती थी आपके साथ डिस्कस करना, बट एक पीरियड में नहीं हो पाएगा इतना। तो इतना समझ में आया ना लीजा समझ में आया बच्चे? अर्शप्रीत ने तो कहा समझ में आ गया, गगन ने भी कहा समझ में। यस मैम। एविश नहीं आया ना बच्चे? ओके, धर्म की आड़। आप इसी तरह चाहेंगे कि मैं कुछ शब्द आपको दे दूं और पूरा लेसन कर पाए आप? हाँ यही चाहेंगे। ओके ओके, लेसन है धर्म की आड़। प्लीज मैं लेसन करवाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, इस लेसन का मतलब कितने बच्चों को पता है? युग 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 धर्म की आड़ का मतलब समझा दो बेटा मुझे, तभी मैं लेसन समझा पाऊंगी। आर यू देयर युग? यस मैम। हाँ बच्चे, धर्म की आड़ का मतलब समझा दे मुझे। मैम जैसे जो पश्चिम देश है ना, वहां पर पैसे की पैसे को दिखाकर लोगों के मनों को खरीदा जाता है और लोगों को पैसे दिखाकर प्रोत्साहित किया जाता है, पर भारत में ये नहीं होता। भारत में क्या होता है कि जैसे धर्म की धर्म के नाम पर लोगों के मनों में वैर भावना डाली जाती है और लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ किया जाता है। ओके ओके ओके, तो आपके आपके इस लेसन का निचोड़ बताना है मुझे, है ना? मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, मतलब 4-5 लाइनें ऐसी करवा देनी है मुझे कि आप इस लेसन को आराम से कर सके, हर प्रश्न का उत्तर दे सके। तो देखिए हमारा लेसन है धर्म की आड़, मतलब समझो। धर्म मीन्स रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो ठीक है, इसकी आड़ मीन्स उसके पीछे छुपके हम बहुत कुछ करते हैं। और आजकल तो ये काम बहुत मात्रा में हो रहा है, हर जगह बेटा धर्म की आड़ लेकर ही कार्य हो रहे हैं। यू नो इट वेरी वेल कि हमारे जितना राजसी काम है वो धर्म की आड़ में ही हो रहे हैं, यू नो इट, है ना? तो मैं कोशिश करती हूँ आपको ये समझाने की। बच्चे देखिए क्या होता है, पश्चिमी देशों की बात मैं करूंगी नहीं, मैं अपने देश की बात करूंगी ठीक है। अपने देश में क्या होता है बच्चे, जैसे कल शोभा यात्रा है ना, आज शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा मीन्स किसी खास गुरु को
किसी खास को याद करना, उसकी याद में भक्ति गीत गाना। लेकिन क्या किया जाए कि दो गुट आपस में अलग बन गए। मैं शोभा यात्रा आज निकालूंगा, वो कहता मैं कल निकालूंगा, ठीक है। अब दो गुट बन गए, वो कहते हैं हम अपना अपना काम करेंगे। अब ये बताना चाहता है कि मेरी शोभा यात्रा सबसे बढ़िया है, ये बताना चाहता है मेरी शोभा यात्रा सबसे बढ़िया है। दोनों अलग अलग दिन में पैसा खर्च रहे हैं, जबकि मोटिव दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग पैसा खर्च रहे हैं। और हम लोग जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, कौन है हम? साधारण लोग। हमें नहीं पता ये दोनों क्या कर रहे हैं, नहीं पता ना हमें, हमें कुछ नहीं पता, साधारण आदमी को कुछ नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब ये दोनों शोभा यात्रा निकाल चुकेंगे तो वी एनालिसिस, यार इसकी शोभा यात्रा बहुत बढ़िया थी, ये बंदा है भी बहुत बढ़िया यार, ये बहुत लोगों के काम कर देता है ना, ए और बी रख देते हैं हम, ये बंदा बहुत लोगों के काम कर देता है यार, बहुत बढ़िया बंदा है ना। हम लोगों को कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम इसके पीछे लग गए। अब ये हमारे लिए बन गया भगवान। आम साधारण बंदे के लिए ये आदमी बन गया भगवान। हम इसे इतना अच्छा मानते हैं कि हम इसे भगवान के बराबर खड़ा कर लेते हैं, ये बंदा बहुत बढ़िया, ठीक है। हमने अपने मन में इसको भगवान बना लिया। अब हम क्योंकि इसे भगवान मान चुके हैं, अब ये जो कहेगा हम वो करेंगे, ये जो कहेगा हम वही करेंगे, और यहाँ आके काम गड़बड़ हो जाता है। अब ये जो कहेगा हम वही करेंगे तो ये गलत काम भी करवा सकता है। अब इसने हमें काबू तो कर ही लिया, हम इसके काबू में तो आ गए, अब ये जो काम कहेगा हम करेंगे, वो काम गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। अंदर से पर्सनली वो बंदा कैसा है हमें नहीं पता। दिस इज द लेसन बच्चे, कि हम साधारण लोग धर्म को कुछ, धर्म की बात को कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग हमारे मन में अपने आप को भगवान बना लेते हैं, फिर जहां चाहे हमसे काम करवा सकते हैं, जो चाहे हमसे काम करवा सकते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ द लेसन। साधारण आदमी धर्म की, धर्म के बारे में, धर्म के तत्वों को नहीं जानता, लेकिन कुछ धर्म के जो ठेकेदार हैं अपने आप को आम आदमी की नजर में भगवान बना लेते हैं, फिर जो जी में आता है वो काम करवाते हैं हमसे, ठीक है। लेकिन लेखक आगे कहता है, आज की जनरेशन आप जैसे लोग धर्म के पीछे नहीं लगेंगे। No. इनके लिए दो मेन चीज क्या है, शुद्ध आचरण और सदाचार। आप लोगों के लिए, युवकों के लिए ये दो चीजें हैं। आप लोग अगर भक्ति के करते हुए किसी को देखते हैं ना, तो आप ये कहते हो कि ड्रामे बंद करो, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हम किसी का बुरा ना करें, हम बुरा सोचे ना, तो हम सबसे बड़े धार्मिक हैं। कबीर जी भी कहते हैं ना, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। शुद्ध आचरण और सदाचार जो है ये धर्म, आज के लोगों के लिए ये धर्म है। लेकिन इस धर्म को लाने के लिए क्या करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी बच्चे, मेहनत करनी होगी। मेहनत की जगह पे लेसन में वर्ड कौन सा यूज किया गया है, बहुत क्या करना होगा, कुछ है वर्ड यूज किया हुआ है आपके लेसन में, क्या शब्द यूज किया हुआ है, क्या है? उद्योग, बहुत उद्योग करना होगा, है ना, उद्यम और उद्योग करना होगा, मेहनत करनी होगी बदलने के लिए। और गांधी जी का धर्म भी तो यही था बेटा, शुद्ध आचरण और सदाचार।
गांधी जी भी यही कहते थे, अच्छा सोचो अच्छा करो, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग धर्म के नाम पे हमें हमारी नजरों में, हमारी दोबारा वर्ड बोल रही हूं, साधारण लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ लोग अपने हमारी नजर में भगवान बन जाते हैं और फिर हमसे जो चाहे वो काम करवाते हैं। ठीक है, तो हमें बेटा ये कार्य नहीं करना, हमें ये कार्य नहीं करना, हमें शुद्ध आचरण और सदाचार का पालन करना है। ठीक है, और शुद्ध आचरण सदाचार आज की युवा पीढ़ी के लिए है। ओके, बाकी फिर ओके बच्चे, चलिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।